बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसिक IT में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अडोब फोटोशॉप का टॉपिक शुरू किया हुआ है। अगर किसी से कोई वीडियो मिस हो गई है या कोई चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल के YouTube की प्लेलिस्ट में आकर वो वीडियो देख सकता है। अब व्यूअर्स, मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए नेक्स्ट टूल के मतलब चलते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट टूल में हमारा सबसे पहले ये पाथ टूल आ जाता है। पाथ टूल बेसिकली क्या है कि वीएस, अगर हमने कोई चीज बनाई हुई है तो वो किसी पाथ में होगी। फर्ज करें यहाँ पर पेन टूल में हम कोई शेप वगैरह बनाते रहते थे, ये पेन टूल हमने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कोई भी शेप वीएस आप बनाते हैं, जैसे ये आप एक शेप बना लेते हैं, कोई सी भी आपने ज्योमेट्रिकली शेप बना लेनी है वीएस। अब ये भी एज एक शेप बन जाती है, लेकिन अगर इस शेप को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये मूव नहीं होगा, ये एरर सा दिखाई देगा। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये फिक्स है, आपका पाथ पर फिक्स है आ रही है ये लेयर। अब करना क्या होता है कि अगर तो कोरल ड्रा होता है हम इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूव करने के लिए एक अलग से टूल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे पाथ टूल कहते हैं भैया। ये देखिए पाथ सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इजीली इसको जहां मर्जी मूव करें, ये आसानी से इसको मूव करें इसका, इजीली जितना मर्जी आप इधर कर लें, मूव करना चाहते हैं इजीली मूव कर सकते हैं। और यहां से भैया आप इसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं। कॉपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आल्ट की प्रेस करनी पड़ेगी आपको। प्रेस करके आप इसको मूव करेंगे तो इजीली कॉपी निकल आएगी। ये देखिए आल्ट की प्रेस करनी है, साथ में इसको ड्रैग करना है सिर्फ आपने। ये देखिए जितनी मर्जी अब आप कॉपियां निकाल लें इसकी आल्ट की प्रेस करके भी। ये इसका तरीका कार था कि आल्ट की प्रेस करने से आप इसकी कॉपीज आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद भी जब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कोई भी अगर आप इसका यानी वेक्टर इमेज सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ से एक वेक्टर इमेज भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये एक वेक्टर इमेज भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह इस पर भी आप काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का आपने जो काम करना होता है काम कर सकते हैं इजिली। यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ भैया, जो ही आप ये इमेज सेलेक्ट करते हैं एक नई लेयर आपके पास खुल जाती है। अब अगर आप इस लेयर को बंद करेंगे तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा, बैकग्राउंड इसका साफ हो जाएगा। कहीं पर भी आप वो पिक्चर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसी तरह भी अगर आप टेक्स्ट के में काम करते हैं, टेक्स्ट कहीं पर लगाना चाहते हैं वो भी टेक्स्ट इसी तरह आप लगा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ भैया, इसकी आप कॉपी निकाल सकते हैं आल्ट की के जरिए, यानी आल्ट प्रेस करना है साथ में ड्रैग कर देना है। ये देखिए भैया आल्ट की के जरिए हमने इसकी कॉपीज निकाल ली है। अब जिस तरह मर्जी आप इस पर काम कर सकते हैं, इस तरह भैया इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से फर्ज करो रेड करते हैं, तो आपने इसका कलर वगैरह चेंज कर लेना होता है। ये देखिए इसी तरह ब्लू करते हैं भैया, ये ब्लू हो जाएगा। कोई सा भी कलर आप इसमें उठाना चाहते हैं भैया उठा सकते हैं। उसके बाद भैया इसकी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर कलर आ जाता है, दूसरे पर शेप आ जाती है, कैसी आप शेप रखना चाहते हैं वो आप शेप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर भी आज हमारा साइज आ जाता है, साइज में आपने कितने का साइज रखना है, ये आप साइज में जितना इसका नंबर देना चाहते हैं यहाँ से इजीली को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद भी आज हमारे पास जो आ जाती है ये इसकी साइड की लाइनें, अगर आपने ऐसे रखना चाहते हैं तो यानी डॉटेड की शक्ल में, या सिंपल आप लाइन की शक्ल में रखना चाहते हैं, यह आपके पास आ जाएगा। उसके बाद भी आज हमारे पास ये इसके पिक्सल डाल देंगे, अगर हाइट और विड्थ की आप सिलेक्ट करना चाहते हैं
बाद ये पाथ आ जाएगा कहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं, न्यू लेयर पर या इस तरह कंबाइन शेप पर, जहां पर भी आप करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। इस बाकी का भी ऐसे वियर्स लेफ्ट राइट वगैरह अगर करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद वियर सेकंड नंबर पर हमारा आ रहा है, वो टूल आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन में वियर्स क्या है कि हम मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें चेंजिंग जरूर कर सकते हैं। चेंजिंग ऐसे कि अगर आपके पास ये डॉटेड लाइन आ रही है, इनको आप चेंजिंग ऐसे कर सकते हैं वियर, जितना मर्जी आप इसका सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए वियर, ये ऐसे आप इसके सिलेक्शन कर सकते हैं चेंजिंग के जरिए। ये देखिए वियर, जितना मर्जी आप चेंजिंग करना चाहते हैं उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह वियर एक नई शेप आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए। इसमें भी अगर आप यानी कि ये एक नई ले इसको करना चाहते हैं बैकग्राउंड के जरिए, बैकग्राउंड गायब करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑफ करके उसको सेव कर सकते हैं वियर। ये एक छोटा सा टॉपिक था वियर आज का हमारा। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जहाँ से नहीं समझ आई कमेंट करें, जो दोस्त सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दें। नए आने वाले हजरात हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।